आप लोग का भी घर इसमें था? हाँ, हम लोग का था। मेरा तो ऑपरेशन से अभी बच्चा हुआ है हाल में। पता है नीतीश कुमार जी, इन लोगों के शरीर पर, इन लोगों के पास क्या बचा है? जो इनके शरीर पर बचा है ना कपड़ा, बस वही इनके पास बचा है। इनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है। सरकार भी अभी तक सरकार से कुछ मदद भी नहीं आया है। खाना के लिए चावल था, पूरा तहस नहस हो गया। अब खाने लायक है नहीं। क्या यही ना संकेत जाता है कि लोग जब मरता है तो उसके बाद आते आंसू बहाने, घड़ियाली आंसू। अभी हम पटना के नेपाली नगर में है, जहां पर आग लगने से लगभग 30 से 40 घर जल के राख हो गए हैं। ये सभी लोग रोड के साइड में, इनका घर था, आग लग गया है और पूरा घर बिखर गया है। तिनका तिनका से जोड़ा हुआ घर था, पूरी जिंदगी की कमाई थी इन लोगों की, और पूरी तहस नहस हो गई है, पूरी राख हो गई है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। आप देख सकते हैं, हम कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाएंगे, इधर इधर आके दिखाइए। पूरी तरह से जल के राख हो गई, इसमें कुछ भी बचने लायक अब नहीं है। इन लोगों की पूरी जिंदगी भर की कमाई थी, पूरी बर्बाद हो गई है। तो किस वजह से आग लगा था, क्या कुछ पता है? ये मालूम नहीं हमरा, ये हमरा मालूम नहीं है। कोई बोला गैस से, कोई बोला कि गंदा पीला था, और कोई बोला कि आग लगा दिया है। किसको नाम ले हम? कहा चूरा सूखा चूरा है, इतना मीठा का मिले ने का वही से गलती ने खाया। उसे गरीब के पेट भर जाता है। 10 बजे आग लगी हो लगी है, आधे था 3 बजे। अच्छा, ये बात है। खाइला दमकल की गाड़ी पहुंचा था समय पर या लेट से पहुंचा? लेट से पहुंचा था। पुतला पर आग बुझा ली आप लोग, उसके बाद आया? हाँ, देहात में रहता ना तो साफा दम चीर फार हो जाता। कोई आदमी को नुकसान नहीं ना हुआ? नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरा गहना पाती जितना पैसा तो ऐसा था ना, जो होली में जो सब करते थे काम धंधा, तो पैसा उसा मिला था ना, तो सब तो जल गया। जो भी मजदूरी मिला था सब जल गया, सब जल गया। ऐसा जा ही जा, आज जूठा मैं समझ के आही रख ले हली जा, कमा कमा के ता जर गेल। आज जितना खंडा बंडल तो सब जर गेल। तीन को बेटी पुतोह जकर गहना गिठा जर गेल के, तो उ देता ने जिनका ही दाई लौरी के काम कर ही जाऊ ने कि कमाम तबे देता ना। आई छाती होत चमार दुसाद मुसार पतिन जात पर ज्यादा छाती होत है, आओ किसी पर नहीं छाती हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई मदद आया है? सरकार ध्यान नहीं दे रहा कुछ नहीं होए। चूरा है एगो भेली इतनी गो, आओ कुछ हो ना, आओ कौची आवत है। ये भेलिया चूरा खियावी था, सुख ले की खा लो पानी में फुला फुला। क्या हुआ था घटना उस समय की, पूरा हकीकत बताइएगा? जो जब हम आए थे तो ये तो जल गया था, जल रहा था। एक घंटा के बाद आया गाड़ी वाला पानी, पहले घंटा के बाद आया। हाँ, एक घंटा जल गया तब आया, तब आया। सारे कुछ जल गया है, देखने रहे हैं। बाद आया दमकल। अच्छा, सारे कुछ जल गया है, गहना जेवर सब जल गया है। सब कुछ खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है। सरकार भी अभी तक सरकार से कुछ मदद भी नहीं आया है। आप लोग का भी घर इसमें था? हाँ, हम लोग का था। मेरा तो ऑपरेशन से अभी बच्चा हुआ है हाल में। कहाँ? छोटा बच्चा है अभी तो हम लोग का। सब कुछ जल गया? सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा हुआ हम लोग का। तो देखिए, छोटा छोटा बच्चा है, लोग है, सारा कुछ बच्चा है। एगो सारा पदयारी को कॉल किए हैं, कोई नहीं आया। अगर आता तो ऐसा नहीं होता ना। यहाँ से शुरू हुआ, हल्का हल्का होता हुआ पूरा जल गया है। 100 बार कॉल किया हम लोग दमकल को, समय से नहीं आया। लोग भी बता रहे हैं कि 2 घंटा कहाँ कहाँ आया। प्रशासन के लोग हैं यहाँ? अभी आता तो आता आया रे। प्रशासन के लोग यहाँ हैं, हमको दिख रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। लोगों का आरोप है कि जो भी प्रशासन के लोग हैं, दमकल की गाड़ी है, नहीं आए हैं। प्रशासन के लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आइए सर, एक मिनट सर, हमारे साथ राघवेंद्र सर, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर सर सर, लोग का कहना है कि दमकल की गाड़ी लेट से आई, इस वजह से जल गया। पुलिस वाले से पूछे नहीं यार हम लोग। अब कौन है सर? प्रशासन में खड़ी, बात कर लीजिए उनसे। उधर प्रशासन की गाड़ी है, देखते हैं वो बात करते हैं। नहीं, अभी तो भाग रहे थे, भाग गए। प्रशासन के लोग थे, प्रशासन के लोग थे, वो निकल गए। कैमरा देखते ही बाइक से निकल गए। चाची, आपका भी घर था? सब झोपड़ी जर गेल, संपत्ति जर गल, भूखे प्यासे रही थी, काम करे गेली, कखने कखने कैसे आग लगल, सब संपत्ति जर गेल, पैसा जर गल, गाना गुड़िया जर गल, बैंक खाता सब जर गया, सब कागज पत्र सब जर गया। कितना पैसा था? पैसा लगे 10,000 रख ले। 10,000 रुपया था? 10,000 रुपया इनके लिए लाखों रुपए के बराबर है। नेता मंत्री के लिए 10,000 रुपये कुछ नहीं होंगे, लेकिन इनके लिए 10,000 रुपये बहुत था। 10,000 रुपये गहना जो भी था, सब कुछ जेवरात जर के लाख, सब जर गल, बाले बच्चे के सब जगल, जब पहन नहीं जाने ये बच्चे। लोग के शरीर पे जो बस है, जो कुछ भी है, बस वही बचा है और कुछ नहीं बचा है। ऐसे दिकार करके कि सारी संपत्ति जर गल, सुतो के जगह ना आवे, नौरे के जगह ना, पहने के जगह आवे। सरकार की तरफ से कोई आगे आया है यहाँ आप लोग की मदद के लिए कुछ भी? कहाँ कोई ऐलान है? लोग खाना पीना आप लोग खाए हैं? हाँ, आपके लोग खाना दलन है, लोग बिहार लोग। इतना कुछ हो जाने के बाद भी सरकार के न तो कोई अभी ऊंचे रैंक के अधिकारी यहाँ तक पहुँचे हैं, ना ही उनके कोई मंत्री पहुँचे हैं। क्या सरकार सो रही है या सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार जो है, बिहार सरकार, इन लोगों के मर जाने का इंतजार कर रही थी क्या? इतना बड़ा घटना हुआ है, पटना में घटना हुआ है, यहाँ से मुख्यमंत्री को अगर आएंगे या कोई मंत्री आएंगे तो उनको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा।
आज होली के बाद का दिन है, ट्रैफिक भी नहीं है, उसके बाद भी दमकल की जो गाड़ी आई 2 घंटे बाद पहुंची, आखिर इसका जवाब कौन देगा? अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई मदद के लिए आगे नहीं आया है, ना कोई मंत्री, ना सरकार आया है आगे, ना उनके कोई ऊंचे रैंक के अधिकारी आया है, उनके 2 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है, मात्र 2 पुलिसकर्मी। उनसे जब मैंने सवाल करने की कोशिश किया तो कैमरा पर हाथ देते और भाग निकले, बोले कि इसके लिए हम अलाउ नहीं, हम बात नहीं करेंगे आपसे। कोई जवाब नहीं देना चाहते आपके अधिकारी, कौन अधिकारी यहाँ आपसे जिससे सरकार के अधिकारी से बात करेगा? लोग यहाँ के लोगों का जीवन उजर गया, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के लोग, खाने के लिए जो चावल था वो भी जर गया, कुछ भी नहीं बचा इन लोगों के, जीवन खत्म है, फिर से शुरुआत करना होगा। आप लोग की तरह बड़े लोग नहीं, राजा नहीं, इनके लिए 1000-5000 रुपये बहुत काफ़ी होता है। क्या सर आप लोग के क्या हुआ, कोई आया आगे अभी तक? जी नहीं, अभी कोई नहीं तक आया है सर। आग लगने के 2 घंटा बाद आया था दमकल गाड़ी, दमकल का गाड़ी बहुत आग लगा खत्म हो गया तब आया था गाड़ी आया था सर। क्या उसके बाद से पुलिसकर्मी आए, कोई ऊँचे रैंक के अधिकारी आए हैं आप लोगों के लिए, खाने की व्यवस्था किया, कुछ किए हैं? जी नहीं, आप बाहरी आदमी के तरफ, सरकार के तरफ से अभी तक खाने का भी प्रतिबंध नहीं किया है। आग सवेरे 11 बजे लगा है, अभी शाम के 5 बजने जा रहे हैं। आइए इन लोगों से जानने के, देखिए इधर क्या स्थिति है, चावल है, खाना के लिए चावल था, पूरा तहस नहस हो गया, आप खाने लायक है नहीं। क्या भैया सरकार की तरफ से कोई आ गया है अभी तक? नहीं, आप पुलिसकर्मी तैनात है, ना पूछ रहे हैं कि अधिकारी है, ना मंत्री, कोई नहीं आया। कहाँ कोई आया? नहीं कोई आया, फोटो खींच रहा है, जा रहा है, मीडिया के साथ होंगे जो फोटो वीडियो बना रहे होंगे दीदी, लेकिन यहाँ तक पुलिस के नहीं है, पुलिस थे उनसे बात करने का मैं प्रयास किया, क्वेश्चन करने का, वो गाड़ी उठाया और निकल गए यहाँ से, बात नहीं करना चाह रहा है, आ रहा है, कर रहा है, कोई खाने के लिए भी दे दिया है कुछ हो कि हाँ खाने के लिए दे रहे हैं, कुछ भी कोई नहीं ताक रहा है उलट के। क्या कहेगा बिहार सरकार को, क्या कहेंगे, सब तहस नहस कर दिया सर। बताइए जब चुनाव आएगा तो यहाँ तक तो पहुँचेंगे मंत्री और अधिकारी उनके नेतागण वोट मांगने के लिए? इन्हीं लोग से पूछे। अच्छा बताइए आप लोग, जब यहाँ चुनाव आएगा नजदीक तो नेता मंत्री जी तो यहाँ पहुँच जाएंगे वोट मांगने के लिए? हाँ, चलेंगे कैमरा इधर है। तो क्या आप लोग विकास के लिए वोट देते हैं या जाति धर्म देख के, या जो जात के लिए करता है उसके देते हैं? विकास के लिए जी, विकास के लिए वोट दिए थे। कहाँ कहाँ विकास, कुछ भी नहीं विकास हम लोग का हो रहा है, विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। हाँ विनाश हो गया। क्या सच्चाई नहीं है कि बिहार में और अधिकतर खासकर जो भी नेता बनते हैं कि गरीब के नाम पर नेता बनते हैं कि गरीब का गरीबी मिटाएंगे? हाँ। गरीब का गरीबी मिटता है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन नेता का गरीबी मिट जाता है। हाँ। नेता आम आदमी से लेके बाइक से लेके उसके बाद उनका जिंदगी चल जाता है फॉर्चूनर पे, स्कॉर्पियो पे। हाँ सब। हाँ जी। उसके बाद कभी आते हैं घूर के ताकने? ना ना। क्या भैया आप लोग यहीं के पास हैं? हाँ जी। बोलिए, ये जो घटना हुई है इसके बाद यहाँ न कोई आला अधिकारी ऊंचे रहेंगे बिहार सरकार के, न कोई मंत्री आया है अभी तक, कोई नहीं आया, गरीबों के साथ कोई नहीं है, वोट बैंक के लिए सिर्फ है, सिर्फ वोट बैंक के लिए है बस। अगर यही घटना किसी बड़े लोग के यहाँ होता, बड़े अधिकारी के यहाँ या किसी फैक्ट्री में होता तो वहाँ पे सब कोई जाते, पूरा फोर्स लगा दिया गया होता। सुबह 11 बजे आग लगा है इन लोगों, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया इन लोग की तरफ। क्या कर रही है बिहार सरकार? पटना की स्थिति है, बिहार की बाहर नहीं है, पटना की स्थिति है। यहाँ से अगर मुख्यमंत्री या कोई अधिकारी आएंगे तो 10 मिनट काफी है उनके लिए, अभी तक कोई आया नहीं है। गरीबों का कोई देखना है? सिर्फ इनके लिए, इनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है गरीबों का, हकीकत में कुछ इनके लिए विकास होता नहीं, विकास के नाम पे घोटाला होता है और कुछ नहीं होता, यही सच्चाई है। फंड आएगा, पास होगा, ऊपर से ऊपर ही खत्म हो जाएगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिलता है आप लोग को? हम लोग को ना मिलता है, कुछ नाम नहीं के सब दे। कुछ आप लोग का बर्बाद हो गया है सरकार की तरफ से आदमी? तो सरकार सब चीज होली बर्बाद, इतना कोई देवे वाला हाथ है, वोट देवे वाला तो कलेजा पर चढ़ जाते। पता है नीतीश कुमार जी इन लोगों के शरीर पर, इन लोगों के पास क्या बचा है? जो इनके शरीर पर बचा है ना कपड़ा, बस वही इनके पास बचा है, इनके पास कुछ नहीं है। 11 बजे घटना है, सरकार की तरफ से ना कोई ऊंचे रैंक के अधिकारी आया है, ना उनका कोई मंत्री आया मिलने, क्या दूर है? आना चाहिए तो, पटना में है इसके लिए तो। 24 का चुनाव आएगा तो जहाँ रहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे, पैर पकड़ेंगे कि वोट हम ही को दीजिएगा। सही बात बोल रहे हैं। अभी आएंगे ना? अब 11 बजे आग लगा है, अभी 5 बज गया है, उनको खाने के लिए भी नहीं पूछना है कि आप लोग खाए हैं या भूखे मर रहे हैं? कोई नहीं। क्या मरने का इंतजार कर रहा था बिहार सरकार कि कुछ लोग मरते तब ज्यादा राजनीतिक होता वोट बैंक का? गरीब लोग वही दुखी है, गरीब जो जहाँ है तो कोई अभी तक नहीं आया कोई सरकार की तरफ से, तो क्या यही संकेत जाता है कि लोग जब मरता तो उसके बाद आते आंसू बहाने, घरियाली आंसू? आना चाहिए, आना चाहिए, सब कोई पहुंचते अधिकारी लोग। बिहार सरकार के सर अभी 2 पुलिसकर्मी वहाँ तैनात है, उनसे मैं बात करने का सवाल किया कि आपकी जो दमकल की गाड़ी 2 घंटा लेट क्यों आई है? तो माइक को हटाए और निकल गए, बोले कि हम इसके लिए अर्थराज नहीं, आपको क्वेश्चन का सवाल हम नहीं देंगे, निकल गए बाइक से थे। गरीब लोग की दिक्कत है भैया, आप यहीं के बगल के? नहीं भैया, बगल के तो हम तो नहीं। ये सब जो घटना हुई है, क्या आपको लगता है जो घटना हुई है घट गई, उसके बाद क्या बिहार सरकार या जो भी आला अधिकारी है उनको नहीं आना चाहिए मदद के लिए? खाने का भी कोई इंतजाम इन लोगों के लिए जरूरी है, आना चाहिए, कहीं ना आएगा, अब नहीं आया। अरे बोलो ना कि अभी बिहार पुलिस के 2 जवान थे, उनसे मैंने पूछा कि आपकी तो दमकल की गाड़ी 2 घंटा लेट क्यों आई,
तो उन्होंने एक माइक हटाया मेरा और निकल गए, बोले कि हम नहीं बात करेंगे, हम जवाब नहीं देंगे। कौन जवाब देगा? अपना कोई कोई अपना ला के देगा, देगा सरकार। क्या बिहार सरकार मरने का इंतजार कर रही थी? दो चार लोग मरते तो जाते, तब राजनीतिक होता, वोट बैंक बनता, चुनाव सामने है। सही बात है, यही सब ना आदमी को होता है। अभी बात क्या ही कहे आप लोग, यही हकीकत है बिहार की, यही जमीनी हकीकत है जो आप अभी देख रहे हैं ना। जमीनी हकीकत है ये, गरीबों का विकास, गरीब के नाम पर लोग नेता बनते कि गरीबों का गरीबी मिटाएंगे। गरीब का गरीबी मिटता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन नेता का गरीबी जरूर मिट जाता है। जी हमको कहना है कि अभी के डेट में सुविधा चाहिए इनको, बांस बल्ला जो भी है, तिरपाल चाहिए आपको रहने के लिए, तब ना साधन कोई होगा। सर इसमें देखें कि कई लोग पेशेंट है, कई बच्चा ने जन्म लिया है अभी। अभी खुला रहेगा तो कैसे पानी उनी बैठेगा, पिएगा, अपना रहेगा, सुविधा चाहिए। जो लोग पेशेंट है, जो बीमारी से ग्रस्त है, जिनको ऑपरेशन हुआ, क्या उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, यहाँ रहेंगे तो? जी रहा होबे करेगा इन्फेक्शन। सरकार को इंतजाम करना चाहिए ना, लेकिन सरकार अभी अभी तक नहीं है तो कब इंतजाम करेगी? अभी तक ले चुप बैठे हुए हैं, कोई आ नहीं रहा है, आ रहा है घूम के चला जा रहा है। कुछ व्यवस्था करना चाहिए, बांस चमकिल गिरा देता अपना टांग के अपना गुजारा कर सकता था। नीतीश कुमार जी आपका जो विकास है ना गरीबों के लिए, बस यही 360 डिग्री गोल गोल घुमाना, बस यही विकास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जमीनी हकीकत यही है कि लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग को सिर्फ सरकार में रहना है, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, RJD हो, JDU हो, BJP कोई हो, सबकी सरकार रहती है गरीब के साथ, यही होती है। गरीब को सिर्फ मिलता है तो कुछ नहीं, खाली हाथ मिलता है। सिर्फ 360 डिग्री घुमाया जाता है गरीब के विकास के नाम पर, उनका फंड आता है, उसको घोटाला किया जाता है, नेता का विकास होता है, गरीब का विकास कभी नहीं हुआ है। गरीब को आगे बढ़ाइए तभी आपका बिहार विकसित होगा। ये लोग मजदूरी करते हैं, इनके जो पैसा था 10,000 5,000 जो भी था, इनका सब कुछ जर गया, कुछ नहीं बचा है इनके लिए। अगर यही घटना किसी बड़े नेता के यहाँ किसी फार्म हाउस पर हुआ रहा था तो अभी आपके पुलिसकर्मी पूरा तैनात रहते वहाँ सैकड़ों के संख्या में, दमकल की गाड़ी 5 मिनट के अंदर पहुँचती, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं सुनता है। क्या है, आइएगा आप यहाँ मिलने, आपके मुख्यमंत्री आवास से मुश्किल से 10 मिनट लगेगा आप आइएगा तक, लेकिन आप नहीं आ पाइएगा, यही हकीकत है। क्या कहें, कुछ ज़्यादा कहने लायक है नहीं, क्योंकि लोगों के, हम तो यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, लेकिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है, लोग जिनके ऊपर बीत रहा है वही समझ रहे होंगे। उनके रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए सोच रहे होंगे कि हम क्या खाएंगे शाम में, क्या खाएंगे सुबह, ये हकीकत है। अगर हमारी ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि गूंगी भरी सरकार तक पहुँचनी चाहिए।